दोस्तों जय माता दी। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी की संपूर्ण जानकारी, यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। हम इस समय जम्मू स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारी यात्रा अब कटरा के लिए बाय ट्रेन से प्रारंभ होगी। कटरा जाते समय आपको कई गुफाओं के अंदर से ट्रेन जाती है, जो कि पहली गुफा के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। देखिए गुफा के बाद का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य नज़ारा है। ये बाणगंगा नदी है। देखिए अब हमारी गाड़ी, हमारा ट्रेन जो है दूसरी गुफा से भी निकल चुका है। अब हम ट्रेन के रास्ते कटरा की तरफ निकल लिए हैं। कटरा पहुंचने के बाद माता जी का दर्शन के लिए हम निकलेंगे। ये आपको हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू से कटरा शहर से यात्रा शुरू करनी होती है। कटरा से भवन तक लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र है, जो पैदल या पालकी या हेलीकॉप्टर से जम्मू से चलने के बाद कटरा के बीच रामनगर J&K स्टेशन पड़ता है, जो कि हम इस समय रामनगर में ट्रेन रुकी हुई है। हम यहाँ पे इस समय हैं। आखिरकार हम लोग कटरा स्टेशन पर पहुँच गए हैं। जो तस्वीर आपको आप देख रहे हैं, यह कटरा रेलवे स्टेशन की है। कटरा रेलवे स्टेशन पर आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम कटरा रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर निकलेंगे। बाहर ये देखिए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा है। देखिए माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सब चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे और अब आपको हम स्टेशन से निकलने के बाद यहाँ से जो जहाँ से हमको चढ़ाई करनी है बाणगंगा, बाणगंगा कटरा स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आपको बीच में जब 1.5 किलोमीटर कटरा से 1.5 किलोमीटर जाएंगे, तब आपको यहाँ से देखिए आप किसी भी पैदल भी जा सकते हैं। देखिए टेम्पू भी चल रहा है, जा सकते हैं, मैजिक से भी जा सकते हैं, बोलेरो से भी जा सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो उससे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी कहने का मतलब है, तो 3 किलोमीटर आप पैदल भी जा सकते हैं, कोई बड़ी दूरी नहीं है। धीरे धीरे उसमें क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर देखिए सिम भी आपको अगर रेस्टोरेंट में नाश्ता तो आप सिम भी ले सकते हैं, जो कि आपके सामने हमने एक एयरटेल का सिम लिया है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखिए भोजन के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा कटरा में रुके हैं। कटरा में रुकने का जो आपका सिस्टम है, होटल है, धर्मशाला है, अन्य भी स्थान है। आपको अगर 2-4-5 घंटे के लिए रुकना है तो लगभग 400-500 रुपये में, और अगर आप 24 घंटे के लिए रुकना है तो मान के चलिए 12 बजे से 12 बजे चेकआउट जो होता है वो मान के लिए 1200-1300 रुपये में हो जाएगा आपका। कटरा बस स्टैंड के बगल में एक गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर के जस्ट बगल में यात्रा पर्ची कटती है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति पर पर्सन जोड़ते हैं लोग 200-250 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से हो जाए। अगर मान लीजिए 2-3 लोग हैं तो 2-3 600-700 में आपको रूम 2-4 घंटे के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हम यहां से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हम अमेरिका चौक से निकल चुके हैं, हम फुहारा चौक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्पो से जाने के लिए, क्योंकि टेम्पो से जाएंगे तो 1.5-1.5 किलोमीटर डिवाइड करके लोग आएंगे, जहां पर्ची कटती है वहीं पर रोक देते हैं। जिसको पर्ची जहां पर कटती है उस चौराहे का नाम फुहारा चौराहा है, जो कि अब हम इस समय फुहारे चौराहे पहुँच चुके हैं। फिर यहाँ से भी वो लोग 100 रुपये मांगते हैं, तो 100-200 रुपये लोग मांगेंगे। इससे अच्छा है 1.5 किलोमीटर चलते बोलते बात करते होते हुए आप आइए और यहाँ पर पर्ची कटवा लीजिए। पर्ची कटवाने के बाद आप फिर 1.5 किलोमीटर धीरे धीरे बाणगंगा की तरफ निकल जाए। ये फुहारा चौराहा है, जो कि आप देख रहे हैं, फुहारा चौराहे के बगल में ही पर्ची कटती है, यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची कटने से हमारी यात्रा 2-2.5 होटल के हिसाब से तैयार हो जाते हैं। पर्ची कटने के बाद हम लोग रजिस्टर हो जाते हैं कि यात्री हैं, श्रद्धालु हैं और ये माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हम पर्ची कटाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे माता के दर्शन के लिए 2400 घंटे 12 महीने हमेशा माँ के दरबार में भीड़ रहती है, ये कहने की बात नहीं है। हाँ कभी तीज त्यौहार
में भीड़ ज़्यादा रहती है, नवरात्रि में भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हमेशा हम लोग इस समय लाइन में लगे हुए हैं माता के दरबार में। माता के दरबार के लिए हम यहाँ पर यात्रा पर्ची कटवाएंगे। यात्रा पर्ची से आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड आप देंगे, आपकी फ़ोटो होगी, आपका एक कार्ड बन जाएगा। उस कार्ड को आपको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित, क्योंकि वो भवन में जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर यात्रा। हम धीरे धीरे भवन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा माता का। खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था आपको यहाँ पर उपलब्ध है, किसी चीज़ की माँ के दरबार में कमी नहीं है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक सब चीज़ की व्यवस्था है, बस जैसी अपनी श्रद्धा, जैसी अपनी शक्ति, उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी की सुविधा की यहाँ कोई कमी नहीं है, माँ के दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम धीरे धीरे अब मुख्य द्वार पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ से हम लोगों की एंट्री होने वाली है। हम लोग यहाँ पर चेक इन कराएंगे, चेक इन के दौरान उसके बाद हमारी एंट्री, पहाड़ों के रास्ते माँ के दरबार जाने के लिए तैयार हैं हम। हमारी एंट्री यहाँ से होने वाली है। यहाँ एंट्री होने के बाद इसको हम फ्रेस्किंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए ये माँ का सुंदर मुख्य द्वार। अब जय माता दी के नारे के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइन में लग चुके हैं, सबके अलग अलग लाइनें हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम माँ के दरबार के लिए, यहाँ हमारी एंट्री होने के बाद हम माँ के दरबार, देखिए एकदम चेकिंग के दौरान हम एकदम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार पर। अब यहाँ से हमारा चेकिंग होने के बाद हम माँ के दरबार निकलेंगे। हमारी चेकिंग हो चुकी है, अब हम माँ के दरबार के रास्ते आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से लगभग 13 से 13.5 किलोमीटर की दूरी माँ का भवन है, जो कि आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग यहाँ से माँ के दरबार चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर चलने के साधन देख रहे हैं आप, अगर चलने में असमर्थ हैं, नहीं चलना चाहते हैं, आप पालकी, बच्चे आपके साथ में हैं तो बच्चों के लिए भी व्यवस्था है, छोटी सी डोली है, उसमें बैठा के आप चाहे तो खुद चला कर ले जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर व्यवस्था रहती है। आप उनको बस थोड़ा सा फीस कम और ज़्यादा, उसका जो मतलब किराया है थोड़ा कम और ज़्यादा लग सकता है। अगर आप खुद ले जाते हैं तो कम लगेगा, अगर आप उनको सेवा के लिए अवसर देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। हम माता के दरबार में चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए श्रद्धालु अपनी मौज मस्ती की धुन में बहुत ही आनंद के साथ धीरे धीरे पहाड़ों की चढ़ाई, माता के भवन की चढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए पिट्ठू की व्यवस्था भी है, आप यहाँ पर आराम से खाते पीते नाश्ता करते हुए आप आराम से चल सकते हैं। कम से कम मान के चलिए 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, आराम से आप चलेंगे, कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, मिनिमम 6 से 7 घंटे। कोई और जल्दी चाहता है तो 5 से 6 घंटे हो सकता है, और जल्दी और थोड़ा देर लगेगा तो 8 से 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, बस यही 5 से 7 घंटे लगभग लगते हैं। देखिए माँ के दरबार का आप नज़ारा देख रहे होंगे। हम फिर अब यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। देखिए बच्चों का जो ले जाने का आपने देखा, सेवा का अवसर यहाँ पर पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे ऐसे चढ़ते हुए जाएंगे, आपको यहीं पर थोड़ा सा दूर चल के आएंगे तो आपको अगर कुछ चीज़ बुक करानी है, जैसे पिट्ठू बुक कराना है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन नहीं किया है और आपको बुक कराना है, तो आप आकर यहीं पर काउंटर लगा हुआ है, आप कोई भी चीज़ जिसकी सेवा आपको चाहिए, थोड़ा सा अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आपको सेवा मिल जाएगी। मेन एंट्री गेट के अंदर ही, जैसे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको काउंटर बना दिखेगा। काउंटर में आप पिट्ठू बुक करा सकते हैं, जो भी चाहें सबको बुकिंग की व्यवस्था है। हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। हम देखिए यही काउंटर है जहां पर आप पौनी, पालकी, पिट्ठू, प्रीपेड बुकिंग काउंटर, यही वो काउंटर है जहां पर आपको, अगर ऑनलाइन आप बुक नहीं किए हैं, माता वैष्णो देवी का वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, जिस पर आप जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं।
अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप काउंटर पर आकर यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। यह काउंटर जब आपके मुख्य द्वार पर चेकिंग होगा उससे बहुत ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर, थोड़ा सा ऊपर आप चढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पालकी पिट्ठू हर चीज़ की व्यवस्था है, पालकी डोली में लोग जा रहे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, कोई नहीं, सब चीज़ की व्यवस्था है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपकी श्रद्धा जैसी हो, जैसे आपके लगन हो, वो आप वैसे ही कर सकते हैं। हम माता की चढ़ाई के लिए धीरे धीरे, पहाड़ों की चढ़ाई कभी थोड़ा सा ऊंचा, कभी हल्का सा ढलान, थोड़ा सा ऊंचा, हल्का सा ढलान, ऐसी चढ़ाई माता का है। बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है हम देख रहे हैं। अब हम माता के दरबार में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको जगह जगह रास्ते में 13 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह आपको रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जगह जगह आपको खाने पीने की चीज़ मिलेंगी, पेयजल की सुविधा मिलेगी, टॉयलेट मिलेंगे, प्रसाधन मिलेंगे, सब आपको जगह जगह माँ के दर्शन कर लीजिए आप। जगह जगह बाणगंगा हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं जो कि आप देख रहे हैं। जगह जगह माँ के दरबार में आपको हर चीज़ की सुविधा, 14 किलोमीटर की यात्रा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर यात्रा रहेगी आपकी। हर चीज़ की व्यवस्था है, खाने की, पीने की, टॉयलेट, प्रसाधन और रुकने का, आपको अगर रुकने की व्यवस्था आप चाहिए तो आपको अर्धकुमारी में भी रुकने की व्यवस्था है, माँ के भवन में भी रुकने की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कराए हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में माँ के दरबार में आने वालों की कमी नहीं है, तांता लगा रहता है, करोड़ों लाखों लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस वजह से हमेशा माँ के दरबार में माँ सबसे ऊपर जाके विराजमान है। इस वजह से थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन व्यवस्था कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बुकिंग करें, यहाँ आकर काउंटर पर प्रयास ना करें, ऑनलाइन बुकिंग पर ज़्यादा जोर दें। हम इस समय बाणगंगा आ चुके हैं, बाणगंगा माँ का दरबार है। देखिए जहाँ पर माँ वैष्णो देवी ने जहाँ पर अपने केस धुले थे और हनुमान जी को प्यास लगी थी, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था किया था माँ ने यहीं पर हनुमान जी को पानी पिलाने की व्यवस्था किया था और खुद केस धुले थे। देखिए लोग बाणगंगा में नहाकर स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। इतना सुंदर, इतना स्वच्छ जल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना स्वाद देख रहे हैं आप, इतना सुंदर और स्वच्छ जल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बाणगंगा माता वैष्णो देवी के मार्ग में एक प्रमुख स्थल हैं। बाणगंगा जहाँ पर माता ने अपने केस धुले थे और हनुमान जी की प्यास बुझी थी, हनुमान जी ने यहाँ पर पानी पीने के बाद माता के साथ साथ निकल लिए और माता के साथ साथ गर्भ गुफा की तरफ निकल लिए थे, जहाँ पर गर्भ गुफा में माँ कम से कम 9 महीने रही थी, ध्यान में रही थी, जो कि आज अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। अब हम अपनी यात्रा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लोग हंसते मुस्कुराते हुए माँ वैष्णो के दर्शन के लिए निकल लिए हैं, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। माता वैष्णो देवी को हम आपको बता दें कि श्री वैष्णो देवी धाम जाने के लिए सबसे पहले जम्मू जाना पड़ता है, जिसके बाद कटरा से माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचने की यात्रा शुरू होती है, जिस दौरान सबसे पहले भक्त बाणगंगा के दर्शन करते हैं तथा इसमें आस्था की डुबकी लगाकर खुद को पावन और शुद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह हरिद्वार में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ स्नान करने से जातक को अपने पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस स्थल से जुड़ी, अब हम माता वैष्णो चरण पादुका मंदिर पर आ चुके हैं। माता वैष्णो देवी चरण पादुका मंदिर, प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने से पहले कटरा के त्रिकूट पहाड़ियों में चरण पादुका मंदिर स्थित है। यह लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर है। इस स्थान पर कन्या रूपी माता वैष्णो कुछ समय के लिए रुकी थी। जब माता जी रुकी थी तो यहाँ पर उनके चरणों के निशान बन गए थे और पीछे मुड़कर भैरवनाथ को इन्होंने देखा था, तो जो निशान बन गए उन्हीं की पूजा आज भी होती है, जिनको हम चरण, आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी की दर्शन करने से पहले यहाँ इस मंदिर में माता के चरणों को छूकर यात्रा को प्रारंभ करता है, उसकी यात्रा सफल होती है।
तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इस स्थान पर माता के दिव्य पैरों का अवश्य दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में श्रीधर नाम के एक भक्त को सपने में देवी वैष्णो देवी आई थी। इसके बाद इस स्थान पर उन्होंने एक दिव्य मंदिर की स्थापना की। अब हम हंसते मुस्कुराते माता के दरबार में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चरण पादुका से निकल चुके हैं। चरण पादुका का दर्शन, मंदिर का दर्शन हमने आपको करा दिया है। अब हम धीरे धीरे निकलेंगे अर्धकुमारी की तरफ। अर्धकुमारी चरण पादुका दर्शन करने के बाद अब हम अर्धकुमारी माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हमारी यात्रा अर्धकुमारी माता की मंदिर की तरफ है। अर्धकुमारी होते हुए हम भवन माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। अर्धकुमारी माता का जो पौराणिक कथा में वर्णित है कि अर्धकुमारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जैसे जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच गया, तब माता रानी ने विश्राम के लिए अर्धकुमारी गुफा को चुना था। माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुमारी गुफा ने माता रानी की उसी तरह रक्षा की थी जैसे एक भ्रूण अपनी माँ के घर में सुरक्षित रहता है। इसके कारण गुफा को गर्भजून नाम दिया गया है। इस वजह से ही मान्यता है कि जो महिलाएं गुफा में आती हैं उन्हें गर्भावस्था या प्रसव के दौरान कभी भी किसी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। हम धीरे धीरे अब अर्धकुमारी माता के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। माँ का बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन पाने के बाद हमारा भी आना माँ के दरबार में बहुत ही सफल माना जाएगा। देखिए, इस समय हम एक व्यवस्था और आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपको इलेक्ट्रिक कार जो कि अर्धकुमारी से भवन तक चलता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक कार बुक करानी हो तो पहली राय तो मेरी ये है कि आप ऑनलाइन ही www.maatavaishnodevishrineboard.org पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कराए हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर आकर जो कि अर्धकुमारी से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको आकर आप देख लिए, रेट लिस्ट आपके सामने है। आप यहाँ पर वीडियो जूम करके रोक के देख सकते हैं, यहाँ पर आकर बुक करा सकते हैं और अर्धकुमारी से माता जी के पास भवन तक आप जा सकते हैं। लेकिन हमारी राय यही रहेगी कि आप जो भी सुविधा है हमारा वीडियो देखकर आप सुविधा का पहले जानकारी ले लें, फिर उसके बाद जो भी सुविधा आपको चाहिए वो ऑनलाइन ही आप बुक करा लें। माता का दिव्य दरबार, दिव्य भवन आपके सामने दिख रहा है। आप देख रहे हैं माता का दिव्य भवन। आप माता का दिव्य भवन का दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। माता के भवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यदि आपको माता के भवन में रुकना है तो दुर्गा भवन, माँ दुर्गा भवन में आप जाकर रुक सकते हैं, डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। देखिए, इस डोरमेट्री का जो किराया है वो 150 रुपये पर व्यक्ति है, 150-200 रुपये लगभग लगता है। यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था, खाने रुकने की, नहाने की व्यवस्था, आपको विश्राम की व्यवस्था, फ्रेश होने की व्यवस्था, सब व्यवस्था आपको मिलेगी। एक माँ दुर्गा भवन है, दूसरा पार्वती भवन है। पार्वती भवन में आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सामान रखने लाकर की व्यवस्था है। आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और लाकर में सामान रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। पार्वती भवन में सिर्फ है, माँ दुर्गा भवन में आपको सब चीज़ की व्यवस्था, आप विश्राम भी कर सकते हैं, डोरमेट्री की भी व्यवस्था है जो कि 150 रुपये पर व्यक्ति है, आप लॉकर्स की भी व्यवस्था है, आपको हर चीज़ की व्यवस्था आपको मिलेगी। अब हम लोग दुर्गा भवन में हम लोग विश्राम किए थे। विश्राम के बाद माँ के दर्शन के लिए हम लोग गए, लॉकर्स में सब सामान रख दिए। उसके बाद
दर्शन के लिए हम देखिए पार्वती भवन और दुर्गा भवन दो के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तीसरा आपका मनोकामना भवन है, मनोकामना फर्स्ट मनोकामना सेकंड, इसमें भी आपको विश्राम की व्यवस्था है, लाकर्स की व्यवस्था है, रुकने हर चीज़ की व्यवस्था है। ठीक, अब हम यहाँ से माता के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से आपको भैरव जी के दर्शन कराएंगे। देखिए जैसे ही माँ के भवन से हम निकलेंगे लगभग 50 मीटर की दूरी पर आएंगे तो भैरव जी का रास्ता प्रारंभ होता है। 100 मीटर मान चलिए, 100 मीटर की, 100 ही मीटर मान लीजिए, 100 मीटर की दूरी पर जैसे ही आएंगे आपको भैरव जी का रास्ता मिलेगा। भैरव जी का आप दो रास्ते से जा सकते हैं, एक तो आपका रोप वे है जो कि आप वीडियो में अभी देखा है, दूसरा पैदल रास्ता है। पैदल के रास्ते आप जाएंगे तो पैदल के रास्ते निकलेंगे और उसी के दाहिने में आपका रोप वे का रास्ता है जिसका किराया 100 रुपये पर व्यक्ति है जो कि जाने और आने दोनों का है, 50 रुपये जाने का है, 50 रुपये आने का है, टोटल 100 रुपये लगेगा पर व्यक्ति। हम लोग रोप वे के जरिए भैरव जी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम इस समय भैरव जी के दर्शन के लाइन में हैं जो कि आप टिकट देख लीजिए, टिकट में 100 रुपये है लिखा गया है। हम दर्शन के लिए माँ के दरबार में यहाँ से निकलेंगे। अब भैरव जी का मंदिर आपके सामने, आप साक्षात भैरव जी का दर्शन करिए। श्री भैरव मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भैरव मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके। आप साक्षात भैरव जी का दर्शन करिए, हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर। जय भैरव जी, जय भैरव जी। माता जी ने खुद ही कहा था कि जो हमारा दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन नहीं करेगा उसका दर्शन संपूर्ण नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए भैरव जी का दर्शन अवश्य करें। हम भैरव जी के दर्शन के बाद यहाँ पर भैरव जी का लंगर भी चलता है, आप लंगर में जाकर नाश्ता पानी कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब भैरव जी के दर्शन के बाद हम यहीं पर आपको दिखाने जा रहे हैं हेलीपैड, जहाँ से हेलीकॉप्टर आपको मिलता है। हेलीकॉप्टर ये आपको कटरा, अर्धकुमारी, चरण पादुका, ये सब पूरा भ्रमण कराएगा आपको। इसका किराया लगभग 1800 रुपये है, लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे तो सही किराए की सही जानकारी आपको काउंटर पर मिलेगी, हम लगभग के बता दे रहे हैं। ये है आपका मनोकामना भवन, आपको भोजनालय की बहुत मिलेंगे। देखिए ये मनोकामना भवन है, मनोकामना भवन में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है। आपको डॉर्मेट्री की सुविधा 150 से 200 रुपये पर व्यक्ति पे मिल जाएगा, लेकिन सब चीज़ आप ऑनलाइन कर लें, हमारी राय है आप ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन कर लें। माँ दुर्गा भवन में हम लोग विश्राम किए थे, मनोकामना भवन में आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी। 24 घंटे यदि आपको रुकना है तो 1200 से 1400 रुपये लगता है, यदि आपको 4-5 घंटे रुकना है तो 600 से 700 रुपये लगता है। अगर आपको डॉर्मेट्री बुक करना है तो 150 से 200 रुपये पर व्यक्ति लगेगा। आपको जैसी इच्छा व्यवस्था आपको सब है, लेकिन ऑनलाइन आप करेंगे तो आपको हर चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। नहीं तत्काल में माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत श्रद्धालु हमेशा आते और जाते रहते हैं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। इसलिए आप ऑनलाइन बुक कर लें और निश्चिंत होकर माँ के दरबार में जाएं, जिससे आपको कोई समस्या कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। जय माता दी। ये आप ऊपर जो हम नज़ारा दिखा रहे थे वो श्रीधर भवन था, श्रीधर जो कि माता जी के पुजारी थे, माता जी के भक्त थे, जिनको माता जी ने साक्षात दर्शन किया था। देखिए माँ का दरबार है, यहाँ पर मौसम बनता और बिगड़ता रहता है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब हम माता के दर्शन तो कर चुके हैं, माता के दर्शन के जैसे ही आप करके निकलेंगे तो आपको शिव गुफा दिखेगी। शिव गुफा देख रहे हैं, प्राकृतिक शिव गुफा जो कि महत्व लिखा गया है बोर्ड पर। अब हम लोग माता के दर्शन से देखिए लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग माता दर्शन करने के बाद प्राकृतिक शिव गुफा की तरफ चल रहे हैं। माता वैष्णो शंकर जी का दर्शन करेंगे, देखते हैं कि प्राकृतिक जल की धारा निरंतर बहती रहती है, बाद में इस प्राकृतिक हम शिव गुफा की तरफ निकल चुके हैं की गई, जिससे इस गुफा का नाम शिव गुफा है। शास्त्र अनुसार यहाँ शक्ति है, वहाँ शिव जी का निवास है,
जहाँ शक्ति जी रहते, शक्ति मतलब माता पार्वती, श्री महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, माता वैष्णो देवी जहाँ पर हैं वहाँ शंकर जी का निवास जरूर है। तो इसलिए प्राकृतिक गुफा शंकर जी का जो पहले से है उसमें हमेशा शंकर जी का जो पिंड, जो शंकर जी का लिंग रखा गया है वो प्राकृतिक रखा गया है। लेकिन यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में जैसे निरंतर जल की धारा बहती रहती है, वहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही निरंतर जल की धारा बहती रहती है, इसलिए शंकर जी का गुफा बनाया गया है जल के पास। जय माता दी। आप गुफा का दर्शन कर रहे हैं, यही देखिए जो जल की धारा निरंतर बह रही है आप देख रहे हैं, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ जल जो कि 24 घंटे 365 दिन लगातार यह जल की धारा बहती रहती है। ये हमेशा यहीं पर जल की धारा बहना मतलब गंगा जी, गंगा जी बाढ़ गंगा, गंगा मतलब कि जो शंकर जी की जटा से निकली हैं, शंकर जी की जटा, जहाँ शंकर जी की जटा वहाँ शंकर जी। तो शंकर जी को प्राकृतिक रूप से वहाँ पर स्थापित किया गया है और ये जो धारा आप देख रहे हैं ये 24 घंटे आप पी सकते हैं, अपने सिर पर लगा सकते हैं, स्वयं पवित्र हो सकते हैं, औरों को भी पवित्र कर सकते हैं। हम जल को स्पर्श करते हैं और हम थोड़ा सा जल पीते भी हैं। अब हम चल रहे हैं सीधा शंकर जी के पास, शंकर जी के देखिए, शंकर जी का आपको दर्शन कराते हैं जो कि प्राकृतिक गुफा में शंकर जी भोलेनाथ बाबा विराजमान हैं। हम आपको भोलेनाथ जी, शंकर जी का दर्शन कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हर हर महादेव। आप देख लिए, दर्शन हो गया, दर्शन आपने किया या नहीं हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखिए बहुत ही अच्छे से भोलेनाथ बाबा का दर्शन आप करिए। हम लोग का दर्शन शिव गुफा का हो चुका। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। अब हम लोग माता जी का दर्शन भी कर चुके हैं, भैरव जी का दर्शन कर चुके हैं, शिव गुफा का भी दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे माता से आज्ञा, अनुमति और आशीर्वाद लेकर हम धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, हम धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, माँ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। माँ हमको फिर बुलाएं, माँ हमको फिर आज्ञा, अनुमति, आशीर्वाद दें, फिर बुलाओ भेजें, जिससे कि हम आ सके और माँ के द्वारा दर्शन कर सकें। जय माता दी। ये देखिए हम लोग रास्ते से निकल रहे हैं और भैरव जी की लाइन देखिए, भैरव जी के दर्शन के जाने के लिए लाइन यहाँ पर लगी हुई है। देखिए यही वो लाइन है, ये रोपवे की लाइन है, रोपवे के रास्ते लोग जा रहे हैं, इनकी भी लाइन लगती है। बाकी आप पैदल चाहें तो पैदल आपको सीधी चढ़ाई है, जो कि थोड़ा सा कष्टदायक तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहें तो रोपवे के रास्ते जाएं, नहीं तो आप पैदल चाहें तो पैदल ही जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 13 किलोमीटर चढ़ के आ सकता है उसके लिए 3 किलोमीटर की दूरी और है। माँ के भवन से भैरव जी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर से है, जो कि आप आसानी से, यही पार्वती भवन है, इसमें आपको रुकने की व्यवस्था तो नहीं है लेकिन आप फ्लोर देख लीजिए, एक फ्लोर पर नहाने की व्यवस्था लेडीज़, एक फ्लोर पर नहाने की व्यवस्था पुरुष, दूसरे फ्लोर पर लाकर की व्यवस्था, सब चीज़ की व्यवस्था है। आप यहाँ पर एकदम अपने सामान को सुरक्षित रख के आप जा सकते हैं दर्शन करने। देखिए पार्वती भवन के पास से ही आपको अगर अर्धकुमारी जाना है, भवन से अगर आपको अर्धकुमारी जाना है तो यहीं से आपको आसानी से आकर आप पार्वती भवन आइए, थोड़ा सा पैदल चल कर आइए माँ के भवन से। आप यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, बच्चों के लिए भी छोटी डोली मिल जाएगी, सब चीज़ की व्यवस्था। फिर यहाँ से आपको अर्धकुमारी कटवा के लिए दर्शन के बाद आपको जो सुविधाएं चाहिए सब आपको पार्वती भवन के पास से, पार्वती भवन के पास जाएंगे सब आपको मिल जाएगा। जो रेट आप उनसे देखिए, इनका सबका रेट है, जो आपको पालकी में बैठाएंगे इनका आपको वजन के हिसाब से रहता है। अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो
3000 लगभग 3000 में लेके जाते हैं, लेकिन अगर 70 किलो का है तो थोड़ा सा लोग किराया बढ़ा देते हैं, 3500 कर देंगे, 3600 कर देंगे। बातचीत के ऊपर रहता है किसमें कर लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, जैसे आपको जो उचित लगे आप इनसे बात करके। बहुत ही वहाँ का श्राइन बोर्ड का, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आदेश अनुसार उन सबका व्यवहार बहुत ही पोलाइट रहता है, आप अपने बातचीत के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखिए, आपको रेट लिस्ट पालकी का, माता वैष्णो देवी आपको पिट्ठू का, हर चीज़ का रेट लिस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। जय माता दी, आप देखिए माँ के दरबार में झमाझम बारिश, यही तो माँ का अपना सिस्टम है, यही तो माँ का अपना एक अलग ही रूप है कि आप देख रहे हैं माता वैष्णो के दरबार क्षण भर में पर्वत। माँ का गाना भी तो आया था, पर्वत से राई, राई से पर्वत, माँ कभी भी कर सकती हैं। राई मतलब सरसों, सरसों जैसा बहुत छोटा सा राई होता है, उसको माँ क्षण भर में पर्वत कर सकती है, और बहुत बड़े पर्वत को माँ क्षण भर में राई कर सकती है। यही तो माँ का चमत्कार है, यही तो माँ का आशीर्वाद है। हम माँ के मंदिर भवन में माँ का दर्शन हो चुका है, अब हम धीरे धीरे अर्धकुमारी होते हुए कटरा के लिए यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। माँ का दरबार बहुत ही सुंदर और अच्छा लगा, माँ ने हमको बुलाया, दर्शन दिया। हम आशा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम कामना करते हैं कि माँ हमें दोबारा फिर बुलाएंगी, माँ हमें अपने चरणों में स्थान देंगी, अपने चरण और शरण में माँ बनाई हैं। इसके लिए माँ का बहुत बहुत आभार, माँ हमें आज्ञा दें, अनुमति और आशीर्वाद दें, जिससे कि हम दुगनी ताकत से यहाँ से उतर सकें और फिर आने की ताकत दें। जय माता दी। पहले ही ट्रेन को अच्छी तरह सर्च कर लें, पहले ही ट्रेन के बारे में जानकारी ले लें, फिर आपको कटरा जाना है या जम्मू तक जाना है, वो आप निर्णय खुद लें। अब हम इस समय अर्धकुमारी माँ के दर्शन के लिए दोबारा, जब हम माँ के भवन के दर्शन के बाद चले हैं तो अर्धकुमारी मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर यदि आपको अर्धकुमारी जो कि माँ कम से कम 9 महीने जून गर्भ गुफा में रही हैं, तो यहाँ पर यदि आपको दर्शन करना है तो हमारी राय यही रहेगी कि जब आप यहाँ से चढ़ाई करके भवन जा रहे हों, ये रास्ते में ही अर्धकुमारी पड़ता है, तो पहले ही आप आकर यहाँ पर अपना टिकट ले लें, अपना एक काउंटर ले लें जो कि वेटिंग लिस्ट में रहता है, एक टिकट ले लेंगे तो उसके बाद जब आप 12 घंटे या 6-8 घंटे बाद दर्शन करके आएंगे तब हो सकता है माँ का दर्शन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बहुत रहता है, 24-24 घंटे का वेटिंग लिस्ट रहता है, 48-48 घंटे का वेटिंग लिस्ट रहता है, 3-3 दिन का वेटिंग लिस्ट रहता है, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा हो सकता है दर्शन भी आपके ना हो पाए, क्योंकि थोड़ा सा थका आदमी रहता है, इस वजह से आप जाते ही वक्त अपना टिकट कटा लें, उसके बाद दोबारा जब लौट के आएँ तो माँ का दर्शन करके नीचे कटरा की तरफ उतर जाएं। हम इस समय माँ के भवन में आ चुके हैं, लेकिन हमारा भी इस समय दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने ये गलती की कि हम जाते वक्त तो टिकट ले नहीं पाए और हमको जानकारी नहीं थी, और बाद में जब आए तो उन्होंने बताया कि आपको 48 घंटे का वेटिंग है, जो कि 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा तब आपको दर्शन हो सकता है, तो हमारी रुकने की व्यवस्था हम पहले से किए नहीं थे, और हमने रूम सर्च किया तो हमको कोई रूम वहाँ पर उपलब्ध मिला नहीं, इस वजह से हम 2 दिन रुक नहीं पाए और माँ का दर्शन नहीं हो पाएगा। हमारी राय आपके लिए रहेगी कि आप जाएं तो पहले से ही जाके टिकट काउंटर पर पता कर लें कितना वेटिंग है, उसके बाद टिकट कटवा लें, फिर टिकट लेके चले जाएं, माँ के भवन दर्शन करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो हो सकता है आपका 1-2 घंटा 4 घंटा रुकने के बाद माँ का दर्शन हो जाए। अब हम माँ के दर्शन के बाद, अर्धकुमारी के बाद सीधा नीचे आ चुके हैं कटरा। कटरा में आपको कोई भी चीज़ शॉपिंग करना हो, माँ का प्रसाद लाना हो, कोई भी चीज़ आपको जो आप देख रहे हैं कैमरे में इस समय, तो आप माँ के दरबार में आके आप हर वो चीज़ आपको कटरा में उपलब्ध है। आप यहाँ पर थके हैं तो देख लीजिए, प्रथम दर्शन माँ का चरण पादुका है, जो कि हम पहले भी आपको
बाहर से तो दिखा दिए थे लेकिन अंदर आपको हम नहीं ले जा पाए थे। हम चरण पादुका ले चल रहे हैं। चरण पादुका मीन्स यहाँ पर माता जी जब भैरव जी ने पीछा किया था तो माता जी ने यहीं रुक कर देखा था दाहिने की तरफ मुड़ कर कि भैरव जी आ रहे हैं कि नहीं। तो जब माता रुकी थी तो यहाँ पर चरणों के निशान पड़ गए थे, इस वजह से यहाँ पर चरणों के निशान के दर्शन आज भी होते हैं। बहुत ही पवित्र मंदिर जहाँ पर आप दर्शन के लिए चरण पादुका देखें, साक्षात आप दर्शन करिए माता वैष्णो देवी के चरण पादुका का, जहाँ पर माँ ने चरण रखे थे और भैरव जी को देखने का प्रयास किया था। माँ के चरण पादुका का दर्शन करिए। चरण पादुका में बने सभी देवताओं के मंदिर बहुत ही सुंदर और सुशोभित और अच्छे लग रहे हैं। हम दर्शन करने के बाद अब धीरे धीरे आ चुके हैं, एकदम कटरा में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग थोड़ा वैष्णो ढाबा जो है बहुत ही शुद्ध और भोजन बहुत ही शुद्ध और अच्छा शुद्ध भोजन बनाते हैं वैष्णो ढाबा के लोग। हम यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारा दर्शन हो चुका माँ के आशीर्वाद से। अब हमारा ट्रेन जम्मू से लखनऊ के लिए है। अब हम बस में बैठ चुके हैं। ये बस आपको मिलेगी, आप आएंगे फुहारा चौराहा। फुहारा चौराहा आने के बाद आपको बस मिलेगी बस स्टैंड के पास, अमेरिका चौक। अमेरिका चौक से आपको बस मिलती है जम्मू के लिए, जिसका किराया है 100 रुपये। ये भाई हमारे दुर्गा भवन में रहते हैं,